आइए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। आज बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो सीरीज के बारे में। जी हाँ, इस सीरीज में दो फोन आने वाला है, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G एंड नोट 40 प्रो प्लस 5G। ये दोनों ही फोन आपको अप्रैल के महीने में इंडिया में देखने को मिलेगा। इसका पेज वगैरह लाइव हो चुका है और इंडिया में ये 12 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है। सो आज बात करेंगे इन दोनों ही फोन के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, प्राइजिंग के बारे में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो और प्रो प्लस 5G में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बैटरी और चार्जिंग का डिफरेंस है। बाकी आपको डिज़ाइन सेम मिलेगा, सेम प्रोसेसर के साथ आता है। पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो ये ग्लास बॉडी के साथ आता है और मैट फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा और एक लेदर बैक डिज़ाइन के साथ आएगा। और इंडिया में 3 कलर ऑप्शन में आने वाला है, एक ब्लैक कलर होगा, गोल्ड कलर होगा और एक ग्रीन कलर होगा जो लेदर बैक डिज़ाइन के साथ आएगा। रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया और एक यहाँ पर रिंग लाइट दिया गया जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ में। जैसे अगर आपका कॉलिंग वगैरह आ रहा तो उसका नोटिफिकेशन शो होगा, चार्जिंग में लगाएंगे तो उसका भी यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आप शो कर सकते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डुअल नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट मिलेगा, दोनों में 5G सिम लगा पाएंगे, मल्टीपल 5G बैंड का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल स्पीकर के साथ आता है और इनका JBL के साथ पार्टनरशिप भी है तो साउंड वगैरह काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, हैप्टिक्स आपको काफी अच्छा मिलेगा, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया गया फॉर बेटर हैप्टिक्स, आयर ब्लास्टर आपको दिया गया है और IP53 का आपको रेटिंग मिलेगा, डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट होगा। बाकी आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। 6.78 इंच का FHD प्लस वाली आपको एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और ये LTPS वाली डिस्प्ले है। सेंटर पंच होल डिजाइन के साथ आता है, साइड के जो बेजल्स है आपको थीन दिया गया है। बेसिकली ये कर्व डिस्प्ले है तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको काफी अच्छा मिलता है। वाइड 1L1 का आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, 2160 हर्ट्ज का आपको PW डिमिंग वगैरह दिया गया है। बेसिकली ये आंखों के लिए बेहतर होता है नाइट वगैरह में अगर आप फोन को यूज करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे हायर रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट दिया गया, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। सो ओवरऑल जो डिस्प्ले है यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया, कर्व डिस्प्ले दिया गया, हाईर रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिलता है। और क्या चाहिए, बस प्राइजिंग अच्छा होना चाहिए इंडिया में। चिपसेट के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 7020 देखने को मिलेगा और ये 6nm पे आता है। इसका जो AnTuTu स्कोर है ऑलमोस्ट 4,20,000 से ज़्यादा आता है, सो परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देखने को मिलेगा। और इन्फिनिक्स ने यहाँ पे पावर मैनेजमेंट के लिए एक चिप भी लगाया है, जी हाँ, चीता X1 चिप को लगाया है। बेसिकली अगर आपका फ़ोन चार्जिंग में है, हाई वोल्टेज आ जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। स्टोरेज और रैम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, LPDDR4X रैम का सपोर्ट दिया गया है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट मिलेगा। और इंडिया में दो वेरियंट में आने वाला है, 8GB 256GB शायद से इसका बेस वेरियंट होगा और एक हायर वेरियंट भी होगा, 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज। बाकी आप बताइए कि आपको ये चिपसेट कैसा लगा। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, प्राइमरी आपको 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है और फ्रंट में आपको पंच होल में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, F2.2 अपर्चर के साथ आता है। बाकी आप रियर कैमरे से और फ्रंट दोनों से ही आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्लो मोशन, नाइट मोड, पोर्ट्रेट्स और भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आता है और इनका XOS 14 चलता है। वैसे बताया जा रहा है कि आपको 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा और 3 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। सो एंड्रॉयड 14 के साथ आता है तो 15 और 16 तक होपफुली आप अपडेट कर पाएंगे। वैसे इन्फिनिक्स के फ़ोन में आपको काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी देखने को मिलते हैं जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और इनका पाम स्टोर का नोटिफिकेशन वगैरह भी आता है जिसको आप डिजेबल कर सकते हैं। बट पहले से ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बेहतर होगा। बाकी आप मुझे बताइए कॉमेंट करके कि आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है तो कैसा आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको चेंजेस किया गया है, जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G है इसमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है और 45W की आपको चार्जिंग देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों इन्फिनिक्स बॉक्स में चार्जर देता है तो होपफुली आपको चार्जर मिल जाएगा। और जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G है इसमें आपको 4600mAh का बैटरी दिया गया है और 100W की आपको चार्जिंग मिलेगा और दोनों ही फ़ोन में आपको 20W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, वायरलेस रिवर्स चार्जिंग का आपको सपोर्ट दिया गया है।
सो यहाँ पे आपको यही एक डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही फ़ोन में। बाकी आपको डिज़ाइन सेम दिया गया है, सेम प्रोसेसर के साथ आता है, सेम कैमरा आपको दिया गया, सेम डिस्प्ले दिया गया है, सिर्फ बैटरी में यहाँ पे चेंजेस किया गया है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। वैसे बता दूं कि इंडिया में ये दो वेरिएंट में आने वाला है, 8GB 256GB एंड 12GB 256GB। अगर प्राइस की बात करूं तो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G का इंडिया में जो प्राइस है अराउंड 25,000 के आसपास में हो सकता है, और नोट 40 प्रो प्लस 5G का जो इंडिया में प्राइस है अराउंड 30,000 के आसपास में हो सकता है। बाकी देखते हैं कि इन्फिनिक्स इन दोनों ही फ़ोन को इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च करता है, यह आपको अप्रैल के महीने में मालूम चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।